बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिक साइंस चैप्टर 5 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आज हम लोग सेपरेशन ऑफ मेथड में सीविंग मेथड पढ़ेंगे। कौन सा मेथड? सीविंग। सीविंग हम लोग अपने घरों में भी करते हैं। सीविंग का मतलब होता है चालना, ठीक है। तो सीविंग इज ए मेथड इन विच स्मॉलर सॉलिड एंड इनसॉल्युबल, ये भी जरूरी है, स्मॉलर सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर एंड लार्जर सॉलिड पार्टिकल्स बाय पासिंग थ्रू अ सीव। सीव कहते हैं चलने को, चलने को कहते हैं सीव, ठीक। तो इसमें हम लोग दो ऐसे पार्टिकल्स जो साइज में डिफरेंस हो, जिनकी साइज जो है आपस में छोटे बड़े हैं, माने स्मॉलर, और भी बात है कि वो सॉलिड हो, लिक्विड ना हो, सॉलिड हो। स्मॉलर सॉलिड पार्टिकल्स और बिगर लार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय पासिंग थ्रू अ सीव। चलने में जब दो ऐसे मिक्सचर, दो ऐसे कंपोनेंट जो साइज में डिफरेंट हो, छोटे बड़े हों, ठीक है, और सॉलिड हो, तब उसमें उन दो कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम लोग सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड का? सीविंग मेथड का। सीविंग मेथड में क्या होता है कि इसमें एक सीव होती है, ये आपके सामने एक सीव हमने रख दिया है, सीव मतलब चलनी। इससे हम लोग क्या करते हैं, घरों में देखा होगा आप लोगों ने, इससे आटा चला जाता है फ्लोर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये हमने आटा ले लिया, ठीक, आटा थोड़ा सा ले लिया, और जब इसको हम चालते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ये देखो, तो इसके ऊपर जो इसमें भारी बड़े पार्टिकल थे, ये देखिए, इससे चलनी में रह गए, और इससे जो छोटे पार्टिकल थे आटे के, फ्लोर के, ये देखिए, इस पर आके गिर गए। तो दोनों ही कौन से पार्टिकल हैं? सॉलिड हैं, लेकिन थोड़े से छोटे बड़े हैं साइज में, है ना। तो दो छोटे और बड़े, स्मॉलर एंड बिगर सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम लोग सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेथड का? सीविंग मेथड का। ये जो सीव है, इसमें सीव का होना मस्ट है, माने जब हम सीव की सहायता से, चलने की सहायता से दो कंपोनेंट जो साइज में डिफरेंट हो उनको अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सीविंग, ठीक। अच्छा, अब इस आटे को हम साइड में कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, जब मिक्सचर में कंपोनेंट के साइज डिफरेंट हो, एक छोटा हो थोड़ा सा, एक थोड़ा सा बड़ा हो, तो हम यहाँ पर सीविंग मेथड से कंपोनेंट को अलग करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर अभी हमने ये आपको सीविंग के थ्रू दो कंपोनेंट को जिसकी साइज थोड़ा सा बड़ी थी, उन दोनों को अलग करके दिखाया हुआ है। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है? हमारे घरों में, हमारे मम्मी जो आटा सेपरेट करती हैं, उससे जो बर्तन, जिसे आप हस्क भूसी कहते हैं, अलग करती हैं, वहाँ पर, और फ्लोर मिल में, आटे के मिल में भी इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ पर? आटे के मिल में। तो ये हो गया सेविंग। सेविंग बेसिकली दो डिफरेंट साइज के कंपोनेंट को अलग करने के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अच्छा, सेविंग, सेविंग हो गई, आपने देखा होगा सेविंग वहाँ पर भी करते हैं जब मकान बनने होते हैं, घर बनने होते हैं, तो मोरंग से बड़े बड़े पत्थरों को अलग करते हैं, देखा होगा आपकी बुक में, देखिए एक फिगर बना के दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये सेविंग कर रहा है ना, एक बड़ी सी ये छलनी ले लिया है,
इसके ऊपर मोरंग को डालता है तो मोरंग में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो इसी पर रह जाते हैं, और नीचे बारीक मोरंग जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। पेबल्स मतलब पत्थर, स्टोन और पत्थर उसी पर रह जाते हैं। ये है सीविंग। और यहाँ पर एक सीविंग करके दिखाया हुआ है, ये देखिए फिगर में आटा चालना सीविंग प्रोसेस, ये है सीविंग। तो सीविंग मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है सेडिमेंटेशन। सीविंग के बाद आपको पढ़ना है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसमें जब दो ऐसे पार्टिकल्स जो पानी में ना घुलें, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये सेडिमेंटेशन का मेथड आपको है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल डाउन, सेटल डाउन का मतलब नीचे बैठ जाएं, आफ्टर वाटर इज एडिंग टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आपने देखा होगा कि आपके घरों में खाना बनाने से पहले आपके अम्मी जो दाल चावल को पहले पानी में डालते हैं, है ना, पानी में डालने के बाद आपने देखा होगा कि जो चावल या दाल होती है वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि वो भारी होती है, हैवी होती है, और उसमें जो कुछ हल्के फुल्के भूसे या खरपतवार वगैरह होते हैं वो पानी में ऊपर आ जाते हैं। तो जब इन दोनों, ये दोनों सब्सटेंसेस अलग हो गए, तो जो नीचे बैठ जाता है मैं भारी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स, तो उसे कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं, सेडिमेंट, सेडिमेंट। जो पार्टिकल भारी पार्टिकल होगा वो पानी में नीचे बैठ जाएगा, तो उसी को कहेंगे सेडिमेंट। अब भारी पार्टिकल नीचे बैठ गए और उसमें मिली हुई जो इम्प्योरिटीज़ होती है, हल्की जो होती है, वो पानी के ऊपर माने पानी के ऊपरी लेयर पर आ जाती है, ठीक। तो अब ये दोनों अलग हो गए, बस सिर्फ इसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स, भारी कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल डाउन, बैठ जाते हैं, आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, जब इसमें पानी ऐड किया जाता है। हम आपके सामने एक एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। हम ये गिलास में, एक गिलास में आधा कप पानी ले लिया, ठीक। अब इसमें हम दाल मिलाने जा रहे हैं। क्या चीज़ मिलाने जा रहे हैं, दाल मिलाने। अभी ये इस प्रोसेस को करने से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या होता है सेडिमेंटेशन, ठीक। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये हम इसमें मिला दे रहे हैं, देखिए ये मिला दिया। अब इसके अंदर जो भारी सब्सटेंसेस हैवी, वो इसके देखिए गिलास के नीचे तली पर सेटल डाउन हो गया, बैठ गया, और जो हल्का था वो इसके ऊपर पानी में अभी तैर रहा है, ठीक। तो ये दोनों अलग हो गए, दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, है ना। जो हल्के सब्सटेंसेस थे ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और जो भारी जो दाल थी वो नीचे बैठ गई, ठीक। इस मेथड से हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, इनसॉल्युबल, जो पानी में ना घुले, पानी में घुल जाएगा तो नहीं अलग कर पाएंगे, जो सॉलिड हो और इनसॉल्युबल हो, पानी में अघुलनशील हो, इन दोनों मिक्सचर को तब हम अलग करेंगे इस मेथड से, सेडिमेंटेशन मेथड से। तो क्या हुआ, जब हमने इस मिक्सचर को पानी में डाल दिया तो जो भारी सब्सटेंसेस था जैसे दाल, ये नीचे चली गई, सेटल डाउन हो गई, और इसमें जो इम्प्योरिटीज थी हल्की वो पानी में ऊपर आ गई, तो दोनों अलग हो गई, ठीक। अब जब ये अलग हो गई तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन, ठीक। सिर्फ इतनी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, इसके आगे की प्रोसेस जो होगी वो होगी डिकेंटेशन, वो आगे बताने जा रहे हैं आपको। तो सेडिमेंटेशन में क्या हुआ कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक। अब जब हमने
इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया, माने डिफरेंट चीज़ों को। अभी पानी में ही है वो, हमने जब पानी ऐड किया तो उसके नीचे भारी जो कंपोनेंट था नीचे बैठ गया, हल्का वाला ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी पानी में ही है वो, लेकिन पानी में ही अलग हो गया है। तो इस इतनी ही प्रोसेस को सिर्फ सेडिमेंटेशन कहेंगे। ठीक, अब डिकैंटेशन क्या होगा? डिकैंटेशन द प्रोसेस इन विच वाटर या एनी अदर लिक्विड एबव द सेडिमेंट इज रिमूव्ड या पोर आउट, रिमूव्ड हटा देंगे या पोर आउट या उड़ेल देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकैंटेशन। अब आगे की प्रोसेस इसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो हमने ये दो मिक्सर को अलग किया था, दो कंपोनेंट को, तो भारी सब्सटेंसेस नीचे रह गया था और हल्का वाला ऊपर आ गया था, तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। अब कह रहा है कि बगैर डिस्टर्ब किए हुए, बगैर हिलाए हुए इस ऊपरी जो पानी है ऊपर का, इसको पोर आउट करने दूसरे में अलग कर लिए, तो इसके साथ जो है इम्प्योरिटीज आ गई इसमें, इस वाले में, और नीचे जो सेडिमेंट था वो इसमें रह गया, तो अब इम्प्योरिटीज इस वाले में आ गई और इस वाले में भारी कंपोनेंट आ गया, हैवी कंपोनेंट। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकैंटेशन। क्या कहा जाता है? डिकैंटेशन माने जब ऊपर में जो पानी में इम्प्योरिटीज मिली हुई थी उसको हमने पोर आउट कर लिया, इस तरीके से कहते हैं पोर आउट करना, उड़ेलना, निकालना, ठीक है, तो इसे कहते हैं डिकैंटेशन। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गई होगी कि द प्रोसेस इन विच वाटर या एनी अदर लिक्विड एबव द सेडिमेंट इज रिमूव्ड, माने सेडिमेंट तो नीचे बैठ गया था, उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज थी पानी के, पानी पे ऊपरी लेयर पर, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया गया, माने पोर आउट कर दिया गया किसी दूसरे बर्तन में या कहीं गिरा दिया गया, लेकिन कैसे? विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए हुए, बगैर हिलाए हुए, इतना ज़्यादा ना हिला दें कि जो नीचे का सेडिमेंट है, जो भारी तत्व नीचे बैठा है वो भी हिल के बाहर पानी के साथ गिर जाए, धीरे से गिराना है, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, सेडिमेंट वही जो नीचे बैठी हुई भारी कंपोनेंट है, इस कॉल्ड डिकैंटेशन। अब डिकैंटेशन का यूज क्या होता है? इट इज आल्सो यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। इसका इस्तेमाल जब दो इमिसिबल लिक्विड होंगे, दो इमिसिबल मतलब वाटर एंड ऑयल, वाटर और ऑयल जो होते हैं आपस में मिलते नहीं है, इन्हें इमिसिबल लिक्विड कहते हैं, ठीक, तो इनको भी अलग करने के लिए डिकैंटेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन सेपरेशन के मेथड हो गए, पहला सीविंग हो गया, दूसरा हो गया सेडिमेंटेशन, और तीसरा डिकैंटेशन। इन तीनों मेथड में आप किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट को अलग करने से एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें किसी सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो चीज़ हम आपको आपके बुक से ही समझाने की कोशिश करते हैं कि फिल्ट्रेशन, क्या चीज़? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें दो बहुत ही बारीक सब्सटेंसेस जो होते हैं, अब मान ले हमने जो है सीविंग किया, छाला, और उससे भी पदार्थ कुछ मिश्रण में रह गए, नहीं है जो है हम उसको अलग कर पाए। अब उसको अलग करने के लिए जो बहुत ही बारीक पार्टिकल होते हैं, फाइन होते हैं, जैसे मान लीजिए पानी में अगर गंदगी मिली हुई है, मड गर्दा मिला हुआ है, पानी गंदा सा लगता है ना आपको, तो उसको अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्ट्रेशन जो चाय की पत्ती से, चाय से बनाते वक्त चाय को अलग करते हैं, वो फिल्ट्रेशन मेथड वही है, लेकिन जब बहुत बारीक फिल्ट्रेशन, जब बहुत ही बारीक, इतना बारीक कि जो है
छन्नी से ना अलग कर पाएँ, स्टेनर से ना अलग कर पाएँ, तो हम लोग एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइब्रेरी में, केमिस्ट्री लैब में आपको पाया जाता है, इस तरीके का होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, तो फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ये ठीक। अब इस फोल्ड करके फिर इसको हम लोग एक बीकर में इस तरीके से एक जो है इसमें रख देंगे फनेल कीप, ये कीप रख देंगे, और इसके ऊपर इसी फिल्टर को, फिल्टर पेपर को लगा देंगे इसके ऊपर, फिल्टर पेपर को ठीक। अब यहाँ से जो मड है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़, मान लीजिए मड वाटर है, गंदा पानी, मड वाटर यहाँ से गिराएंगे, ठीक, इस पर गिराएंगे, तो ये इस जो फिल्टर पेपर होता है इसके सुराख इतने पतले होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि इस मड वाटर में, गंदे पानी में जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको ये फिल्टर पेपर यहीं पर रोक देते हैं और सिर्फ पानी को इसके अंदर जाने देते हैं, ठीक है। तो जब हम फिल्टर पेपर के हेल्प से किसी पानी को या किसी मिक्सचर को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के चार चीज़ें पढ़ा, सीविंग, और सेडिमेंटेशन, तीसरा डिकाइंटेशन, और चौथा फिल्ट्रेशन, ठीक। तो ये, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग और विनोविंग। ये चार कितने मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया? 1 2 3 4 5 6 7 सेवन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सब्सटेंसेस को कैसे अलग किया जाता है इतने मेथड से इस्तेमाल करके। जो जो सब्सटेंस जैसा हो, जैसी उसकी क्वालिटी हो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन मेथड में से कोई एक दो मेथड इस्तेमाल करके सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, है ना। अगर बड़ी प्योरिटीज़ है हाथ से अलग करने लायक तो हैंड पिकिंग कर लेंगे, थ्रेशिंग, विनोविंग, सीविंग, जिसको जहाँ पर जो सुविधा होगी जिससे अलग करने में उसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इतने मेथड होते हैं सेपरेशन के, ठीक है। तो इन सारे मेथड को आप बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में और ज़्यादा विस्तार से दिया हुआ है, ठीक। और इसको पढ़ने के बाद जो है जब होमवर्क दिया जाएगा उसको आप अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग को एक आपके बुक में दिया हुआ है फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये देखिए, ये मेथड आपको दिया है, आपके बुक में है ये फिल्ट्रेशन। इसमें दिया है आपको कैसे करना है फिल्ट्रेशन, ये देखिए, एक्टिविटी फाइव जो है कैसे आपको फिल्टर करना है ये आपको बताने की कोशिश की गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको हम समझा देते हैं कि कैसे फिल्टर करते हैं पानी को। ये देखिए कि कलेक्ट सम मडी वाटर, है ना, कलेक्ट सम मडी वाटर, मतलब गंदा पानी को ले लें कहाँ से, आ पॉन्ड या रिवर या नदी से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपको गंदा पानी नहीं मिल रहा है तो उसको गंदा कर लें क्या। मिक्स सम सॉयल टू वाटर इन ए गिलास, एक गिलास में पानी लेकर के उसमें कुछ मिट्टी मिला लें तो वो पानी गंदा हो जाएगा, मटी हो जाएगा, मटी मतलब मटमैला। अब क्या करें, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए इसको रख दें। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली
एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। कुछ समय के बाद उस पानी को आप ऑब्जर्व करें, धीरे से देखें और उसमें जो चेंजिंग हुई हो उसको नोट करें। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अब कह रहा है कि क्या कुछ सॉइल गिलास में उसके बॉटम पर तली पर सेटल डाउन हो गए हैं, अगर हो गए तो पूछ रहा है व्हाई क्यों। तो हाँ, जब आप रखेंगे मिट्टी को उसमें तो कुछ देर के बाद उसमें जो सॉइल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेडिमेंटेशन। क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। अब कह रहा है व्हाई क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कुछ भारी या हैवी कंपोनेंट होते हैं वही नीचे बैठ जाते हैं। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। नाउ स्लाइटली, अब धीरे से, टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब धीरे से ग्लास को, अभी हमने बताया था ना टिल्ड, टिल्ड का मतलब धीरे से, ये सीधा है, इसको इसको धीरे से ऐसे कर देंगे, टिल्ड कर लें, स्लाइटली मतलब गिराने के मोड में, उसको गिराना है वहाँ से पानी को। तो नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू द अनदर ग्लास, दूसरे गिलास में उसको रख लें, जैसा कि ये फिगर में दिखाया हुआ, देखिए ये देखिए फिगर में दिखाया रहा है ना, ये सॉइल है और वाटर मिला दिया गया इसको, ठीक। जब इसको रख दिया गया धीरे से थोड़ी देर के बाद, तो नीचे कुछ इसके इम्प्योरिटीज जमा हो गए जो कि भारी है, ठीक। अच्छा, अब ये धीरे से देखिए उड़ेल रहा है इसको, यहाँ नीचे उड़ेल रहा है ना, उड़ेलने के बाद भी इसमें कुछ पानी जो है मडी है और इसके नीचे जो ये है अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल जो है नीचे, इतना थोड़ा सा ये बचा हुआ है, ये बचा रह जाएगा इसमें और ये पूरा पानी इसमें आ जाएगा। तो यही कह रहा है स्लाइटली, नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू द अनदर ग्लास, फिगर 5.8, मैंने ये वाला फिगर। वाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। अभी तो हमने जब इसमें पानी को रखा था गिलास में और भारी जो है इम्प्योरिटीज होती वो नीचे बैठ गई थी, यहाँ पर ये देखिए ये नीचे बैठी हुई है, ये नीचे बैठ गई है ना। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था सेडिमेंटेशन। अब जब इस ऊपर पानी को जब धीरे से उड़ेल दिया इसको बगैर डिस्टर्ब किए हुए तो दूसरे गिलास में, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, डिकेंटेशन। पानी नीचे, सॉइल नीचे बैठ गया, ये सेडिमेंटेशन। अब पानी को ऊपर से दूसरे गिलास में निकाल लिया, ये डिकेंटेशन हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। तो यहाँ पर दो प्रोसेस इस्तेमाल हो रही है। तो नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू द अनदर ग्लास, फिगर इतना। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, ठीक। आप कह रहा है कि इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी आर ब्राउन इन कलर, क्या अभी भी जब हमने ये गिलास में जो पानी निकाला है इस गिलास से, इस गिलास में डिकेंट किया है, तो इस गिलास का पानी क्या अभी भी मडी है, अभी भी मटमैला है। हाँ, तो आप देखेंगे कि अभी भी वो मटमैला है, ठीक। अच्छा, स्टिल ग्लास मडी आर ब्राउन इन कलर, नाउ फिल्टर इट। अब जब इतना प्रोसेस करने के बाद, डिकेंटेशन करने के बाद और सेडिमेंटेशन करने के बाद भी पानी जो है प्योर नहीं हुआ, एकदम साफ़ नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इतने फाइन पार्टिकल्स मिले हुए हैं जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें हम और कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जो इस पानी को एकदम से प्योर कर दे, साफ़ कर दे, तो वो प्रोसेस होगी फिल्ट्रेशन, जो अभी हमने आपको बताया फिल्ट्रेशन कैसे होती है। तो देख लेते हैं, इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी आर ब्राउन इन कलर, नाउ फिल्टर इट। अब अगर वो ब्राउन या गंदा पानी अभी भी है तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर इट माने अब इसको छानने की प्रोसेस, जो कि फिल्टर पेपर से किया जाता है, अभी हमने आपको बना करके दिखाया था। तो इसको नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या आप इसके लिए
जिससे आपने चाय छाना था, जिस स्ट्रेनर से, जिस छन्नी से, उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि चाय की छन्नी का जो पोर होता है, सुराख होता है, वो बहुत मोटा होता है, उससे नहीं छान सकते आप, नहीं फिल्टर कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो कपड़े से छानने की कोशिश करेंगे, उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स आर पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुमेन थ्रेड्स, दीज स्पोर इन क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर। तो हम कपड़े से उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कपड़े के भी पोर जो होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, उसके सुराख बहुत बड़े होते हैं, तो उससे भी एकदम से फिल्टर नहीं हो पाएगा। तब इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर अब भी पानी जो है मडी है, मटमैला है, तो क्या करेंगे? इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर देन हैज इवन स्मॉलर पोर्स। अब हम ऐसे किसी चीज़ से उसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे जिसके बहुत ही सुराख बहुत ही स्मॉलर हों, बहुत ही छोटे हों। तो इस प्रोसेस के लिए हम वही फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। इस फिल्टर पेपर के अंदर बहुत ही बारीक पतले सुराख होते हैं। फिगर 5.9, ये देखिए दिखाया हुआ है, ये फिल्टर पेपर है, ये देख रहे हैं, ये फिल्टर पेपर है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो स्कूल खुलने पर हम आपको इसको दिखा देंगे, लैब में रहता है ये। शो द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिल्टर पेपर। इसको पहले दो इधर मोड़ दिया गया, फिर कोन की शेप में बना दिया गया, फिर इसको एक कीप में फनल की तरह बना करके इस कीप में ढक दिया गया, और इसके नीचे एक बीकर रख दिया गया, और इसमें मडी वाटर डाल करके इसको यहाँ से प्योर कर लिया गया। तो कह रहा है, शोन इन द स्टेप इन्वॉल्व इन द यूजिंग फिल्टर पेपर, अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ए वन इज फिक्स इन टू द फनल, कीप में इसको फिट कर दें। फिगर 5.10, द मिक्सचर इज देन पोर ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डोंट पास थ्रो इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। तो जब आप फिल्टर पेपर को यहाँ पर सेट कर देंगे इस कीप में, फनल में, और इसके ऊपर से पानी को उड़ेलेंगे, गिराएंगे, इसमें पोर आउट करेंगे, तो इसमें जो भी मडी वाटर में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि इस फिल्टर पेपर के जो पोर होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, इससे पानी के अलावा कोई चीज़ नहीं जा सकता, नीचे नहीं छन सकता। तो इस तरीके से इस फिल्टर मेथड से हम प्योर वाटर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ें कैसे, क्या है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसेज आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। आपने देखा होगा ठेले वगैरह पर, दुकानों पर जो जूस बेचते हैं वो भी एक छन्नी लिए होते हैं, तो जूस को पहले करने के बाद फिर उसको छान करके तब आपको देते हैं, फिल्टर करके, है ना। तो सीड एंड सॉलिड पल्किस आप पल्प उसी में रुक जाते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इन आवर होम यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल। जब पनीर बनाना होता है दूध से, तो उसमें हम कुछ लेमन जूस मिला देते हैं थोड़ा सा, और उसको बॉयल कर देते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो नींबू का जूस डालने से दूध जो है दो चीज़ों में सेपरेट हो जाता है, एक पनीर और दूसरा जो लिक्विड होता है, पानी होता है वो। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ आर स्ट्रेनर। इसके बाद हम पनीर को एक कपड़े से या किसी छन्नी से उसको अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं स्ट्रेनर से। तो ये प्रोसेस हो गई फिल्टर की, फिल्टरिंग, फिल्ट्रेशन। तो इस मेथड को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक सेपरेशन ऑफ मेथड में 7 मेथड पढ़े हैं, जो कि आपके सामने हमने अभी भी करके दिखाया है, जिसमें 2-3 पहले भी दिखाए थे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। आज हमने दिखाया है सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन।
इन सारे मेथड्स को आप ध्यान से वीडियो के माध्यम से और बुक के हेल्प से आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके।